नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा 25 खबरें। जबलपुर में ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई, इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो हुआ वायरल, दो आरोपी हुए गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से कृषि बिल आ पाया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस में वादा खिलाफी के कारण आंतरिक विरोध हुआ। उपचुनाव के लिए भाजपा कार्यालय से रवाना हुआ वीडियो रथ, मुख्यमंत्री शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिखाई हरी झंडी, रथ पर दिखाई जाएंगी सरकार की उपलब्धियां। सुवासरा सीट पर भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने भरा नामांकन, SGM ऑफिस पहुंचकर दाखिल किया नामांकन फॉर्म। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने सुर्खी सीट पर नामांकन पत्र किया दाखिल, इस मौके पर उनकी पत्नी सविता सिंह भी थी मौजूद। प्रद्युमन सिंह तोमर ने उपचुनाव के लिए भरा नामांकन, ग्वालियर विधानसभा से हैं भाजपा के प्रत्याशी। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम दिवस पर शामिल हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, होमगार्ड की जमकर करी तारीफ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज, कहा इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, 2021 के शुरुआत में 1 से ज्यादा वैक्सीन होंगी, जुलाई 2021 में 50 करोड़ डोज आने की उम्मीद। SBI की ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस हुई ठप, लेकिन SBI का ATM कर रहा है काम, बैंक ने कहा धैर्य रखें, सेवा जल्द शुरू होगी। बजाज और पार्ले कंपनियों ने लिया बड़ा फैसला, भड़काने वाले चैनल को नहीं देंगे विज्ञापन, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी कंपनी। शहडोल के अमलाई स्टेशन पर मालगाड़ी में मिला शव, आधी जली डेड बॉडी मिलने से हड़कम, मृतक की पहचान अज्ञात। शहडोल में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, पुलिस कार्यवाही के बजाय पैसों की कर रही है मांग, पीड़ित आदिवासी प्रशासन से लगा रहे हैं मदद की गुहार। उज्जैन में गिरफ्तार हुआ कलयुगी मामा, पांजी से मिटाना चाहता था अपनी आवाज, बाल बाल बची युवती ने थाने में शिकायत कराई दर्ज। भोपाल के आजाद मार्केट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग, बड़ा हादसा होने से बचा। फारूक अब्दुल्ला 370 पर फिर बोले, कहा 370 का मामला चीन उठा रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क का विज्ञापन विवादों में, सोशल मीडिया में विज्ञापन पर निकल रहा है लोगों का गुस्सा, हैशटैग बायकॉट तनिष्क के साथ ज्वेलरी ब्रांड का विरोध। उज्जैन में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव की विवादित टिप्पणी का विरोध, राजपूत समाज को लेकर की थी विवादित टिप्पणी, करनी सेना की मांग, कैबिनेट मंत्री मांगे माफी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रदेशवासियों को सौगात, 457 करोड़ से बने 145 स्कूल भवनों का किया लोकार्पण। महाराष्ट्र में मंदिर पर संग्राम, भाजपा अध्यक्ष पाटिल बोले, क्या राज्यपाल देश के नागरिक नहीं है। अलीगढ़ में टॉय फैक्ट्री में फटा गैस सिलेंडर, बिल्डिंग का हिस्सा धराशाही, दो की मौत कई घायल। राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं संघ की बैठक, कृषि कानूनों पर हुई चर्चा। यूपी विधानसभा के सामने महिला ने खुद को लगाई आग, धर्म बदल कर किया था निखार। वार्नर ब्रिगेड के सामने होगी धोनी की CSK, आज होगी बेड़ा।